स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 10 का इंग्लिश लिटरेचर का जो आपका पहला चैप्टर था अ लिटिल गॉड, ठीक है। आज हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। मैंने इसके कुछ आंसर्स आपके व्हाट्सएप पे मैंने पोस्ट कर दिया है और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें भी मैं पोस्ट करूँगा, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन आंसर को पोस्ट करने के अलावा उसे आपका ठीक से समझना भी बहुत ही जरूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो देयरफॉर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड आंसर्स प्रॉपरली। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास, आई हैव एन वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू दैट फॉर योर न्यू सेशन your school office has been opened for you so that you can get yourself registered for the new session. Okay, so the timing of your school office is 10 a.m. to 1 p.m. every day except Sunday. Okay, so I request you to come and get yourself enrolled for the new session and get yourself registered and spread this message to your friends and parents. Okay, students? Okay, and also one more important notice for you, and that is on Monday, that is 8th of June, we are going to start this physics class for you on June app. So that is why I had already informed you that you should install June app on your mobile phone. Okay, and the timing for the special classes will be 10 a.m. for class 9 and 11 a.m. for class 10. Okay, so this entire class will be for 40 minutes. Okay, and you will be given an information half an hour earlier before the class. ओके, आपको इस क्लास के शुरू होने से पहले आधे घंटे पहले या 15 मिनट पहले आपको एक सूचना जाएगी आपके मोबाइल फ़ोन पर और उसके बाद हम लोग जूम ऐप पर वो स्पेशल क्लास स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। उस क्लास में आप लोग जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं क्लास 10 का या जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है उससे रिलेटेड आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन एंड आंसर प्रॉब्लम। सो हियर जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस, ठीक है। इसका 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 मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो लेंचो था, जो फार्मर, उसका किस चीज़ के ऊपर उसका कंप्लीट फेथ था, ठीक है, या किस में उसका पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था। और विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, और इस चैप्टर में कौन से सेंटेंसेस पढ़ करके हमें ये पता चलता है कि लेंचो का पूरा भरोसा था, ठीक है। तो आइए इसका क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है, ये देखते हैं। लेंचो हैड कम्प्लीट फेथ इन गॉड। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आपने पढ़ ही रखा था, मैंने आपको बताया था लेंचो हैड कम्प्लीट फेथ इन गॉड। द सेंटेंसेज इन द स्टोरी दैट शोज दिस आर एज फॉलोज, ठीक है। जो सेंटेंसेज है जो कि स्टोरी से लिए गए हैं, जो कि ये शो करता है कि लेंचो का गॉड में कम्प्लीट फेथ था, वो ये सब है, निम्नलिखित है। फर्स्ट, बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। ओके स्टूडेंट, तो ये पहला सेंटेंस था। और दूसरा सेंटेंस है, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वट इज डीप इन वंस कंसाइंस, ठीक है। तो ये सेकेंड सेंटेंस है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि लेंचो का गॉड में पूर्ण विश्वास था। थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर। तो ये तीनों सेंटेंसेज हैं
इन सेंटेंसेस को पता चल करके इन सेंटेंसेस को पढ़ करके हमें साफ साफ हिंट मिलता है कि लेंचो का गॉड में कंप्लीट फेथ था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, कि जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो को पैसे क्यों भिजवाए, और जिस लेटर में उसने पैसे भिजवाए उस लेटर पे उसने गॉड लिख करके साइन क्यों किया। ठीक है, तो ये सवाल है, आइए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ से मैंने आंसर लिखा हुआ है, पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाई लेंचोज कंप्लीट फेथ इन गॉड। तो इसका आंसर ये है कि जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो का जो भरोसा था गॉड में उससे वो बहुत ही मूव था या बहुत ही इम्प्रेस था कह सकते हैं। सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो, तो इसलिए उसने लेंचो को भगवान के बदले उसने खुद ही पैसे भेजने का निश्चय किया। ओके, नाउ मैं टर्न द पेजेस। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड। ठीक है, जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो का जो भरोसा था गॉड में, विश्वास था, उसे वो तोड़ना या हिलाना नहीं चाहता था। सो ही साइन द लेटर गॉड, इट वॉज अ गुड प्ले टू कन्वे अ मैसेज दैट गॉड हैड हिमसेल्फ रिटन द लेटर। ठीक है, ये एक मैसेज, उसने एक मैसेज कन्वे किया था दैट ये जो चिट्ठी है वो गॉड स्वयं भगवान ने खुद ही लिखी है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट। स्टूडेंट्स, का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि क्या लेंचो ने ये जानने की कोशिश की थी कि पैसे उसको किसने भेजे थे, अगर हाँ तो क्यों और अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो यह है सवाल, यह क्वेश्चन, आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। इसका आंसर है नहीं, लेंचो ने इस बात की कोशिश नहीं की ये जानने की कि ये पैसे किसने भेजे हैं। ठीक है, दिस वॉज बिकॉज ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन गॉड, और ये ऐसा इसलिए था क्योंकि भगवान में उसका कंप्लीट फेथ था, कंप्लीट भरोसा था, एंड नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी समवन एल्स, और उसे इस बात पे कभी भी शक नहीं था कि कोई और भी उसे पैसे भेज सकता है गॉड के अलावा। ओके, सो हु वुड सेंड हिम मनी, हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंड हिज द मनी। तो भगवान में उसका भरोसा इतना पक्का था, इतना निश्चित था उसका भगवान पे भरोसा, कि उसने ये बड़े आसानी से बिलीव कर लिया, भरोसा कर लिया कि स्वयं गॉड ने ही उसको ये पैसे भेजे थे। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने अभी क्वेश्चन 3 है ना, आपको 3 क्वेश्चन के आंसर मैंने बताए, तो आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, इस वीडियो को देख करके आपके समझ में आएगा कि इसका क्वेश्चन क्या पूछा गया है और इसके आंसर क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अगले वीडियो में मैं आपको बाकी के सवाल समझाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।